सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज मैं आया हूँ गोल्डन टेंपल दरबार साहब अमृतसर। तो मैं आपको ये अंदर दिखाने जा रहा हूँ, तो अंदर मैं थोड़ा कम बोल पाऊँगा उसके लिए सॉरी, पर मैं आपको पूरा दरबार साहब दिखाता हूँ। आओ देखते हैं। ये दोस्तों स्टार्टिंग है, जहाँ से हम एंटर करते हैं दरबार साहब। ये है फ्रेंड्स जोड़ाघर, जिधर जूते जमा होते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जमा होते हैं। ये रहा जूता घर। उसके बाद इधर आ गया क्लॉक रूम, यहाँ पे आप सामान रख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये रहा क्लॉक रूम। यहाँ पे फ्रेंड्स दो तीन जूते घर हैं, दो तीन क्लॉक रूम्स हैं जहाँ पे आप रख सकते हो, और आपको टोकन मिलता है। जब आप टोकन दोगे तो फिर आपको आपका सामान वापस मिल जाएगा। अभी हम जा रहे हैं मेन एंट्री की तरफ दरबार साहब की। फ्रेंड्स ये वीडियो मैं पंजाबी में भी बना सकता था, पर मुझे हिंदी में इसलिए बनाने पड़ रही है क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं हिंदी में वीडियो बनाया कर। यहाँ पे आप हैंड वॉश कर सकते हो। और अंदर तंबाकू शराब और चिकन खा के जाना मना है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट। सो अगर चलो अंदर चलते हैं। ये रही मेन एंट्री, अंदर चलते हैं। ये मेन एंट्री है फ्रेंड्स दरबार साहब की। चार एंट्री हैं, चार दरवाजे हैं, और जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी रखे हुए हैं वहाँ पे भी चार दरवाजे हैं। इन चार दरवाजों का मतलब ये है कि यहाँ पे हर धर्म का बंदा आ सकता है। चलो आपको पूरा दिखाता हूँ घूम के। तो मैं वीडियो में थोड़ा बोल कम पाऊंगा इसके लिए सॉरी। Yes.
ये पानी की सेवा है, ये आपको चारों कॉर्नर्स में मिलेगी अंदर दरबार साहब में। ये जगह बनाई हुई है जेंट्स के स्नान करने के लिए। वैसे तो हम कहीं भी यहाँ पे स्नान कर सकते हैं सरोवर में, लेकिन ये एक जहाँ पे ग्रिल लगाई हुई है प्राइवेसी के लिए, यहाँ पे जेंट्स नहा सकते स्नान कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे लेडीज के लिए है स्नान घर। इधर फ्रेंड्स लंगर घर है जो मैं आपको बाद में लेके चलता हूँ। सरोवर में मछलियां, ये फिर से जल सेवा आ गई। चारों कॉर्नर्स पे अंदर आपको जल सेवा मिलेगी। बाबा दीप सिंह जी की ये जगह
ये दोस्तों प्रसाद घर है, जहाँ पे कड़ा का प्रसाद मिलता है आपको। आप यहाँ पे प्रसाद कितने का भी ले सकते हो, कोई यहाँ पे वो नहीं है। 5 का लो, 10 का लो, जितने का भी दिल करता उतने का ले सकते हो आप। ये फ्रेंड्स दरबार साहब का मेन डोर है, जहाँ से हम अंदर जाते हैं गोल्डन टेंपल में, इधर गुरु ग्रंथ साहब जी पड़े हुए हैं। इस दरबार में इसके आगे कैमरा अलाउ नहीं है, सो मैं इसके आगे आपको अंदर का नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। घेरा पिया होया, दूजे पासे बाबा वीर सिंह के डेरे विच लंगर तैयार हो गया। सतनाम का जाप हो गया, कीर्तन हो गया। बाबा वीर सिंह का हुक्म है किसी हाथ नहीं चुकना, सतनाम का जाप करो ते लंगर तैयार करो। नाथ सिंह जरनैल ने दो बंदे चुने, बाबा वीर सिंह के कोल गलबात करने वास्ते भेजे, जिन्हां विच सरदार बाढ सिंह ते गुलाब सिंह कलकत्तिया। एक गुलाब सिंह डोंगरा होया, ध्यान सिंह का वड्डा भरा। यह गुलाब सिंह तो कत्तिया कहते हैं, यहाँ पिंड मनिहाला पट्टी के लगे। ये दो बंदे गुरु का हुक्म से इन्हों दो बंद ने जाद्या बाबा वीर सिंह सामने कोई फतेह नहीं बुलाई, कोई नमस्कार नहीं की। हंकार इन्ना राज के नशे का घूमन का नशा कि इस वेले लाहौर दरबार से साडा कब्जा जो मर्जी कर सकता। ये जाते बड़ी हेंकड़ के नाल बैठ के बाबा वीर सिंह ने आप इन्हों बुलाया साढ़े फेरे कि बागी इतने बागियों का ही काम है। इतने तो राज के हमायती हो गए, राज के हमायती हो सकते हैं। बागियों निशान साहब कि बागिया की गल कर दो आखिर सिंह बनिया सरदार इन राज खतरा है। जो लाहौर दरबार राज का बागी है, मैं आख्या जिन्होंने बागी पी दें
ਬੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧਾ ਸ਼ਾਹ बाबा बुड्ढा शाह एक सेवक थे इस दरबार के जो इस बेरी के नीचे नाम जपते थे। जैसे कि फ्रेंड्स हम सबको पता है कि सिख पंथ बाबा नानक देव जी ने चलाया था और दस गुरु हुए सिख सोसाइटी के बाबा गुरु गोविंद सिंह जी तक। तो मैं आपको इनके नाम बताता हूँ 1 से 10 तक। तो फ्रेंड्स जो सिख कम्युनिटी के गुरु थे वो थे 11। मैं उनके नाम बताता हूँ आपको। पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी जो 1469 तक रहे। उसके बाद सेकंड गुरु आए गुरु अंगद देव जी जो 1539 to 1552 तक रहे। उसके बाद आए गुरु अमरदास साहब जी जो कि 1552 to 1574 तक रहे। उसके बाद फोर्थ गुरु है गुरु रामदास साहब जी जो 1574 to 1606 तक रहे। उसके बाद आए फिफ्थ गुरु आए गुरु हरगोविंद सिंह जी जो 1606 to 1644 तक रहे। फिर आए गुरु हर राय साहेब जी जो 1644 to 1661 तक रहे। फिर आए गुरु हर कृष्ण साहेब जी जो 1661 to 1664 तक रहे। फिर आए गुरु तेज बहादुर साहेब जी जो 1665 to 1675 तक रहे। फिर आए गुरु गोविंद सिंह जी जो कि 1675 to 1708 तक रहे। उसके बाद जो 11th गुरु थे वो है गुरु ग्रंथ साहेब जी जो 1708 टू आगे सदा के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी रहेंगे, क्योंकि हमारे जो गुरु थे उन्होंने फरमान सुनाया था कि गुरु मान्यो ग्रंथ, कि ग्रंथ को ही गुरु मानना। तो अब हमारे जो प्रेजेंट गुरु हैं जो सदा के लिए हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। तो चलो अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स अब मैं आपको लंगर घर लेके चलता हूँ। चलो ये हम आ गए लंगर घर। दोस्तों लंगर घर इसके भी अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं दिखा सकता। यहाँ पे ये लंगर 2400 घंटे चलता है, एक भी मिनट बंद नहीं होता। ये लंगर 2400 मिनट 12 महीने चलता है। ये यहाँ पे ये चाय का लंगर है, अंदर रोटी का लंगर है। तो मैं आपको अंदर नहीं दिखा सकता क्योंकि अंदर यहाँ पे भी कैमरा अलाउ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दो जगह पे कैमरा अलाउ नहीं है, एक जिधर गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं जो आपको दिखाया गोल्डन टेम्पल, एक लंगर घर में अलाउ नहीं है। यहाँ दो जगह, बाकी आप कहीं भी कैमरा लेके जा सकते हो। अब बात करते हैं स्टे की, कि अगर आप आओ तो आप स्टे कहाँ करो। यहाँ पे कोई ज़्यादा महंगा कमरा तो नहीं है। तो फ्रेंड्स स्टे का ऐसा, अगर आपके पास अपना कोई कंबल है तो आप दरबार में कहीं भी सो जाओ, कोई मना नहीं करेगा। अगर आपके पास बिस्तर नहीं है और आप सिंगल आए हो या डबल आए हो और आपको पैसे नहीं देने हैं, तो आप यहाँ पे ये जो सामने श्री रामदास जी की
निवास दिख रहा है ना, यहाँ पे बिस्तरे शाम को 7 बजे मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ पे आप बिस्तरे ले सकते हो। अगर आपको रूम चाहिए, सिंगल बंदे को रूम नहीं मिलता यहाँ पे, अगर आप डबल हो या दो से ज़्यादा हो आपको रूम चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारी सराएँ हैं जहाँ पे रूम मिल जाएगा बहुत बहुत कम रेट में। आपका मतलब कुछ भी नहीं लगेगा, होटल्स के चक्कर में ना पड़ो। अगर आप दरबार साहब आए हो तो यहाँ पे आके सरा में आके यहाँ पे अंदर बात करो, ऑफिस में आपको रूम मिल जाएगा। और मैं आपको श्री रामदास जी की सरा दिखाता हूँ, और भी यहाँ पे बहुत सारी सराएँ हैं। ये है दोस्तों श्री रामदास जी सरा निवास, यहाँ पे आप रूम भी ले सकते हो। अगर आपको रूम नहीं लेना तो यहाँ पे आपको इस जगह पे बिस्तर मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। शाम को 7 बजे बिस्तर मिलते हैं, आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था दरबार साहब। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, सत श्री अकाल।